दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नेहर चौक मंडी। ब्यास में डूबे दो स्कूली छात्र, आधार अपडेट करवाने के बहाने घर से निकले थे दोनों। पूर्व मंत्री जीएस बाली की शव यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने जगह जगह दी श्रद्धांजलि। मंडी कांग्रेस ने इंदिरा व पटेल को दी श्रद्धांजलि, भारत के विकास में दोनों का योगदान सराहा। मंदिर न्यास के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा दीपावली और मेले का बोनस। और अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा के चंबा पतन में स्थित गांव फेरा के निकट ब्यास नदी में दो छात्रों के डूबने का दर्दनाक मामला सामने आया है। दोनों बच्चे गर्ली स्कूल से प्लस वन के छात्र बताए जा रहे हैं। बच्चों की पहचान अंशुल जसवाल निवासी कठियाड़ा व दूसरा लड़का आयुष निवासी अंब के रूप में हुई है। ये छात्र गर्ली में अपने मामा के घर रहता था। अंशुल जसवाल के दादा ने बताया कि वह शनिवार सुबह 9 बजे अपने अन्य दोस्तों के साथ घर से ये कहकर निकला था कि वे आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सर आप बताएंगे आपका जो पुत्र नदी में डूबा है तो घर से कैसे निकला था और उसमें क्या? सर घर से निकला 8-9 बजे, 8 से लेकर 9 बजे के टाइम घर से निकला है, क्योंकि तो अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। फिर 2 बजे तक फोन उसका किया, पता किया, कोई पता नहीं, बस शाम 5 बजे के करीब इधर फेरा देरा का नज़दीक ब्यास नदी के किनारे उसकी स्कूटरी गाड़ी दी। फिर नीचे आके हम लोगों ने 40-50 आदमी थे इकट्ठे, उसके कपड़े मिले, एक लड़का और कर लीजिए उसके साथ क्लासमेट आए। तो क्या लग रहा है आपको अभी दूसरा दिन आज? मेरा पोता लगा है माँ के बीच में। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे? इकलौता बेटा था उनका ये? हाँ इकलौता। तो अंशुल की स्कूटी गांव फेरा में नदी के निकट सड़क किनारे खड़ी देखी। इसके बाद परिजनों को नदी पर दोनों बच्चों के कपड़े दिखे तो उन्हें लगा कि वे नदी में डूब गए हैं। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस थाना देहरा में दी। रविवार को डीएसपी ज्वालामुखी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में नूरपुर से पहुंची एनडीआरएफ टीम ने बच्चों की तलाश शुरू की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आज एनडीआरएफ की टीम यहां पे पहुंची, क्या कहेंगे सर? कल शाम को पुलिस को पेरेंट्स ने आकर सूचना दी कि हमारे दो बच्चे मिसिंग हैं, और ये भी बताया कि उनके कुछ यहाँ पे बनियान और शूज़ इसी पॉइंट पे मिले थे। उसके बाद पुलिस मौका पे आई थी, तो फिर यहाँ पे शाम का वक्त था तो उन्होंने सर्च किया अपने लेवल पे, लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं लग पा रहा था कि बच्चे कहाँ हैं। तो फिर रात को ही हमने एनडीआरएफ को फ़ोन कर दिया था कि मॉर्निंग आके वो अपना सर्च अभियान चला, तो अभी एनडीआरएफ की टीम आई हुई है और अभी ये सर्च कर रहे हैं। सर ये संभावना हो सकती है कि नहाते वक्त हो सकता है कि डूब गए हैं, तो अभी इसी से पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। सर ये छात्र बताए जा रहे हैं, कौन सा स्कूल है सर? स्कूल गर्ली में थी दो बच्चे, 16 साल के थे, प्लस वन के स्टूडेंट थे, और एक रकड़ का था और एक अंब का था। बेसिकली यहाँ अपने ननी हाल में रहते थे। जी जी, थैंक यू सर। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड BA, BEd, BSc, BEd, बी फार्मेसी, बी टेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, BSc MLT, BSc एग्रीकल्चर, BA MS BPT, MSc इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, MA इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, MTech, MPharmacy, PhD। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की शव यात्रा कांगड़ा से बाया टांडा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह उनके समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। नगरोटा बगवा विधानसभा के सदरपुर से पठियार तक स्वर्गीय श्री बाली के समर्थक सुबह से ही अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने हेतु इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। नगरोटा बगवा की पंचायतों कानपुरी, सुनेहड़, बडोह,
रोड बड़ाई थारू नगर परिषद नगरोटा बगवा भुनेड़ हटवास मौला व पठियार में भारी संख्या में उनके समर्थक श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सड़क किनारे खड़े नजर आए। इस दौरान युवाओं ने जीएस बाली अमर रहे के नारे लगाए। टांडा में श्री चामुंडा मंदिर तक प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने व यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जगह जगह पुलिस कर्मी नियुक्त किए थे। सरकार की ओर से डीसी कांगड़ा तथा एसपी कांगड़ा श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गांधी भवन मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि व पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा ने कहा कि आज का दिन संकल्प व एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, भारत पाक युद्ध में भारत की अभूतपूर्व जीत के साथ बांग्लादेश के निर्माण का श्रेय स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सारा जीवन समाज सेवा में ही व्यस्त रहा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। आज पूरा भारतवर्ष स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और भारतवर्ष को नवनिर्माण में कोल में ले जाने के लिए और आधुनिक भारत बनाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण और पाकिस्तान के दो टुकड़े जो है 1971 के युद्ध में किए और भारतवर्ष को नई दशा और दिशा प्रदान की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की और पूरे विश्व के मानचित्र पे जो है भारतवर्ष के नक्शे को उकेरा। आज वही हम स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिवस के ऊपर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने भारतवर्ष को स्थापित किया, सब जो रियासतें थी उनका एकत्रितकरण करके जो है एक पूर्ण संपूर्ण भारत का दर्जा जो है भारतवर्ष को प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। वल्लभ भाई पटेल जी को भी लौह पुरुष के नाम से जाना और पहचाना जाता है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनकी स्वतंत्र भारत में बहुत ज़्यादा भूमिका रही और उनके योगदान को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के योगदान को हर एक भारत का वासी जो है वो भुला नहीं सकता। सभी भारतवर्ष के लोग और विश्व में भी उन्होंने अपना ख्याति अर्जित की नाम बनाया। सब लोग उनको आज उनके इस पावन अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दीपावली और मेले का बोनस मंदिर न्यास के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा। इसके लिए जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये जानकारी मंदिर न्यास यूनियन के प्रधान महेंद्र सिंह ठाकुर ने दी। रविवार को कर्मचारी यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक मंदिर में आयोजित की गई। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछली मंदिर न्यास की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इसको अब सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने इसके लिए कर्मचारी यूनियन की तरफ से जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय और मंदिर न्यास के अध्यक्ष योगराज मंदिर अधिकारी विजय गौतम का धन्यवाद किया। कर्मचारियों के मुद्दे वेलफेयर फंड का था वो डी साहब ने इस मीटिंग में अप्रूव कर दिया। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारा जो ड्यू थे वो भी डीसी साहब के द्वारा फाइल सेंक्शन हो चुकी है और दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस मिल जाएगा। मेले का भी मैं इसके लिए मेले का बोनस भी कर्मचारियों को मिल जाएगा। मैं इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय, मंदिर न्यास, एसडीएम साहब, मंदिरकारी सबका विशेष रूप से कर्मचारी संघ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करूंगा जिन्होंने समय से पहले समय रहते हुए कर्मचारियों को ये लाभ प्रदान किए। और इसके अलावा हमारी जो मांगे चली हैं पेंशन का मुख्य तौर पे मुद्दा है, मेडिकल फैसिलिटी है, उसके लिए जिला आयुक्त महोदय द्वारा मंदिर न्यास आयुक्त महोदय मंदिर न्यास द्वारा दिवाली के बाद हमारे साथ एक जल्दी ही बैठक बुलाई जाए रखी गई है जिसमें आश्वासन हमें मिला था कि दिवाली के बाद आपके साथ एक बैठक करेंगे जिसमें सारे आपके मुद्दे स्टेप बाई स्टेप उसमें बाई लाज को मेंट करने का मेन उसमें रखा गया है। बाई लाज जैसे ही मेंट होगा तो कर्मचारियों की समस्याएं
शिखर पूर्ण हो जाएगी।